भैया मार कर भैया। अरे भैया बेटा देख तो क्या हो रहा है, बार भैया को कौन मार रहा है? अरे पापा जल्दी उतरो। अरे भैया अरे ये क्या हो रहा है? बहुत दिन हो गए तुझे, कुछ ज्यादा ही बन रहा था तू। अरे भैया क्या बात हुई, क्यों मारे मेरे भैया को? अरे बेटा छोड़ दे मेरे बेटे को। पीछे एक बार बोलो ना, पीछे। अरे भैया क्यों मार रहे हो उसको, ये तो सरेआम बदमाशी चल रही है। हाँ यार तू सही कह रहा है, देख बूढ़े बाप के सामने एक बेटे को मार रहा है ये। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, बूढ़े बाप के सामने मार रहा है। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए, ये सब घर वाले मिलकर एक लड़की को सरेआम पीटते हैं, तो मैं इसे सरेआम क्यों नहीं मार सकता? और ये अपनी बीबी को मारता है, और ये सब घर वाले खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं, और ये बेचारी उस लड़की को दहेज के लिए परेशान करता है, और इसके घर वाले इसका साथ देते हैं। निशा साथ नहीं हुआ है, ऐसी सोच रखने वाले लोगों ने पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। और हाँ अंकल, आपके घर में बेटी है ना? हाँ है ना। शादी तो नहीं की होगी? नहीं हुई शादी। जब उसकी शादी होगी तब आपको पता चलेगा, जब उसके ससुराल वाले उसको दहेज के लिए परेशान करेंगे, उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, उसको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। एक बात याद रखना, आपकी बेटी भी किसी घर की बहू बनेगी। अरे बेटा हम तो उसको कुछ कहते नहीं है, बड़े प्यार से रखते हैं उसको। आप इसकी हालत देख रहे हो, कितना प्यार से रखते हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसकी चोट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ कोई सफाई मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर इसके साथ कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे आप होते ही कौन है बीच में बोलने वाले, ये हमारा फैमिली का मैटर है, आप लगते ही क्या हो? भाई हूँ मैं इसका, और आज के बाद किसी ने इसको हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ बहन, तुझे इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये दोबारा परेशान करे तो मुझे फोन कर देना। चलो भाई चलते हैं।